शाहिद कैसे हैं छुपे रुस्तम? शाहिद और रिपोर्टों में क्या चल रहा है चक्कर? जर्सी ने कहां पर मारी बाजी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, इंसान को कितनी भी लैविश लाइफ मिल जाए पर नीड्स कभी पूरी नहीं होती, और वैसे ही कुछ है जर्सी के राइटर गौतम तिन्नारूरी के साथ भी। जैसे कि आपको पता ही होगा, जर्सी मूवी के सॉन्ग्स काफी सोलफुल थे और जर्सी मूवी के जॉनरे के अकॉर्डिंग काफी परफेक्ट थे। आपको बता दें, सॉन्ग्स को म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया था, जो कि एक पॉपुलर तमिल म्यूजिशियन है, पर अब वो बॉलीवुड को भी दे रहे हैं म्यूजिक, और जल्द ही हमें किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट में सुनने मिलेगा उनका म्यूजिक। लेकिन इस बीच डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि अनिरुद्ध शायद की जर्सी को दे म्यूजिक, और उन्होंने कर दी बेवकूफी म्यूजिक सचेत परंपरा डुओ से करवाकर। लेकिन फिर शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और म्यूजिक सचेत परंपरा के इस डुओ से ना करवाकर उन्होंने अनिरुद्ध को फिर से सौंपा म्यूजिक का पार्ट। डायरेक्टर की इस बेवकूफी की वजह से इंडस्ट्री में जर्सी मूवी को किया गया क्रिटिसाइज। साथ ही अगर शाहिद के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी मीरा राजपूत से हुई है और उनके दो बच्चे भी हैं, और शायद आपको पता ही होगा कि मीरा और शाहिद के बीच 15 साल का एज गैप है। हालांकि एज डजंट मैटर इन लव, बट 15 इयर्स इज वे मच। आपको बता दें, जब मीरा 16 साल की थी तब उन्होंने शायद से एंगेजमेंट कर ली थी, बट अंडर एज होने की वजह से ये कपल ने अपनी एंगेजमेंट को सीक्रेट रखा। इतना ही नहीं, कपूर कपल्स ने अपनी शादी और अपनी प्रेगनेंसी सब कुछ सीक्रेट रखी बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी और उनके फैन से भी। बता दें, कपल्स रिसेंटली मॉल्डीव्स गए थे वैकेशन के लिए और दोनों ने खूब सारी पिक्चर्स पोस्ट की अपने वैकेशन के सोशल मीडिया पर। शाहिद बड़े नॉटी बिहेवियर के हैं, तभी तो अपने 15 साल छोटी लड़की से शादी की, वरना मोस्टली बॉयज अपने एज ग्रुप की कोई लड़की देखते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें, शाहिद ने जितने भी इंटरव्यूज किए, जब भी मौका मिलता है वो मारते हैं चांस और करने लग जाते हैं विमेन रिपोर्टर्स के साथ फ्लर्टिंग। रिसेंटली जब वो एयरपोर्ट पर अपनी बीवी के साथ पहुंचे थे जर्सी के प्रमोशन टूर पर जाने के लिए, शाहिद करने लगे लेडी रिपोर्टर के साथ फ्लर्ट। वो बाकी के कैमरामैन को छोड़कर अपनी बीवी के सामने देने लगे फुल ऑन अटेंशन लेडी रिपोर्टर को, जो बात उनकी बीवी को रास नहीं आई। आपको बता दें, जब शाहिद जर्सी की प्रमोशन के लिए सबसे पहले चेन्नई पहुंचे, उन्होंने उस प्रमोशन में अपने एक्टिंग का पूरा क्रेडिट जर्सी 2019 के एक्टर को दिया। शाहिद ने कहा कि नानी की वजह से वो एक्ट कर पा रहे हैं जर्सी में। नानी है जिन्होंने डायरेक्टर्स को शाहिद का नाम अप्रोच किया और शाहिद को प्रॉपर एक्टिंग सिखाई जर्सी के लिए, वरना वो कब का रिजेक्ट हो चुके थे डायरेक्टर से, पर नानी ने किया उन्हें फुल सपोर्ट, और शाहिद के इतने अच्छे जेस्चर्स नानी के लिए जीत लिया टॉलीवुड का दिल। टॉलीवुड ही नहीं, हर कोई सराहा रहा है शाहिद को इस बोल्ड टॉक के लिए, वरना कोई एक्टर इतने ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता है, और यही बाजी मार ली शाहिद ने जर्सी और हिट करने के लिए। अब मिस्टर कपूर ने अपने बातों से तो बाजी मार ली है, पर एक्टिंग से कितनी बाजी मारेंगे? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट मूवीज के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर आ रहे हैं एक नई इंटरेस्टिंग मूवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।